सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान, बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, छात्रों ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का टॉपिक फाइलम एनिलिडा। छात्रों, आज हम फाइलम एनिलिडा के बारे में अध्ययन करेंगे। फाइलम एनिलिडा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एनुलस प्लस इडोस। एनुलस का अर्थ होता है लिटल रिंग, स्मॉल रिंग, तथा इडोस का अर्थ होता है फॉर्म या वहन करना या धारण करना। तो इस प्रकार के एनिमल्स इस फाइलम में आते हैं, जिनके अंतर्गत अनेक रिंग नुमा संरचना पाई जाती है। एनिलिडा वर्ड्स सर्वप्रथम साइंटिस्ट लेमार्क ने 1809-1809 के अंतर्गत दिया था तथा इस फाइलम के एनिमल्स सेगमेंटेड होते हैं, खंडित होते हैं तथा इनको एनुलेटा भी कहते हैं और वर्म लाइक कर्मिनुमा होते हैं। एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत लगभग 8700 स्पीसीज पाई जाती है जो जीवित होती है इस समय। फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में अपेंडेज इसको संरचना नहीं पाई जाती, पांव ये संरचनाएं, और यदि किसी में होती है तो ये जॉइंटेड नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल करेक्टर, सामान्य लक्षण। हैबिट एंड हैबिटेट के आधार पर देखा जाए तो फाइलम एनिलिडा के जंतु फ्री लिविंग स्वतंत्र जीवी तथा अधिकांश जलवासी, इसमें फ्रेश वाटर तथा मेराइन वाटर तथा सम एनिमल्स को जंतु टेरेस्ट्रियल भी होते हैं तथा बिलकारी होते हैं, बिल में रहते हैं, नलिका का बिल बनाते हैं जिसमें अपना जीवन पूरा करते हैं तथा सम एनिमल्स कुछ जंतु पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं तथा सजीव के रूप में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम एनिलिडा के जंतु का शरीर लंबा, इलोंगेटेड, लचीला तथा बेलनाकार, सिलेंड्रिकल अथवा चपटा, फ्लेटेड एंड एनोली प्रकार का वल्लेनुमा खंडों से विभाजित होता है। इसी कहानी ने जिन्हें मेटामियर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री के आधार पर इस फाइलम के जंतुओं में दीपाश्र सम्मिति बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जब सेक्शन काटा जाता है तो दोनों पार्ट समान होते हैं क्योंकि इनमें एंटीरियर पोर्शन और गमन अंग भी पाए जाते हैं तथा जनन स्तर के आधार पर देखा जाए तो फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में तीन स्तर का निर्माण होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं तथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन के आधार पर
मेलेडा के जंतुओं में अंग अंतर स्तर का स्तर पाया जाता है तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होता है, तथा शारीरिक योजना नली के भीतर नली ट्यूब नलिकाकार आकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलोमेलेडा के जंतुओं में अगर सिरे पर सेंसरी ऑर्गन युक्त स्पष्ट सिर उपस्थित होता है जो कुछ एनलिडा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलोमेलेडा के जंतुओं में लोकोमेट्री ऑर्गन्स गमनांग पेरापोडिया अथवा काइटिन युक्त सीटी उपस्थित होती है, तथा कुछ जंतुओं में सकर जैसी संरचना जो चूसक होती है वो गमन में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, देह भित्ति अनेक संरचनाओं से बनी होती है। क्विटिकल ये बाहरी लेयर होती है, तथा यह अर्ध क्विटिकल तथा स्वतंत्र गैस विनिमय में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि एनलिडा फाइलम के जंतुओं में श्वसन अंग जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। तो देह भित्ति ही विसरण विधि के द्वारा रेस्पायरेशन करने में हेल्प करती है। एपिडर्मिस ये क्यूटिकल के जस्ट नीचे होती है, तथा मसल्स लेयर के ऊपर होती है। इसमें सपोर्टिंग सेल्स, सेंसरी सेल्स एंड ग्रेंडुलर सेल्स इसे ग्रंथिल कोशिकाओं से निर्मित एक स्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। पेशी स्तर मसल लेयर जिसमें दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। पेशियां अरेखित अथवा चिकनी। देह भित्ति पर अनेक सूक्ष्म काइटिन युक्त सीटी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम प्रोटोजोआ में रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है, परंतु फाइलम जो एनलिडा का अध्ययन कर रहे हैं इसमें रीजनरेशन की पावर कम होती है, क्योंकि इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स प्रकार का होता है, इसमें ऑर्गन सिस्टम बन चुके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम एनलिडा के जंतुओं में ट्रोसिलोम पाई जाती है, जिसे वास्तविक देवगुहा कहते हैं, जो मीजोड्रम से आस्तरित रहती है, तथा मीजोड्रम के फटने से इसका निर्माण होता है और ये ओरिजिन के आधार पर साइजोसिल प्रकार की होती है। इस सिलोम के अंदर सिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलोमेलेडा के जंतुओं में ब्लास्टोफोर से मौत का निर्माण होता है, इसलिए यह एनिमल प्रथम प्रोटोस्टोमी एनिमल्स भी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलोमेलेडा के जंतुओं में स्केलेटन कंकाल एब्सेंट होता है, परंतु देहगुह्य द्रव हाइड्रोस्केलेटन होता है के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंटे केनाल पाचन नाल कंप्लीट होती है, तथा सीधी हेड एंड संपूर्ण शरीर में विसरित होती है, क्योंकि इसके एलिमेंटे केनाल में सभी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट
एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, तथा इंटेस्टाइन में सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल दोनों प्रकार की पेशियां उपस्थित होती है। सम एनिलिड्स, कुछ एनिलिड सेमीवोरस होते हैं, क्योंकि भोजन करने की विधि के आधार पर ये रुद्रहारी होते हैं, इसलिए इन्हें सेमीवोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम एनिलिडा में सर्वप्रथम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियों का विकास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, परंतु श्वसन होता है देवित में विश्रण विधि के द्वारा होता है। तो उच्च प्रकार का अथवा पेरापोडिया या सिर कुछ जंतुओं में सिर में क्लोम जी संरचनाएं पाई जाती उनके द्वारा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम, फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है। इसमें रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, तथा कुछ रुधिर वाहिनियाँ ग्रोथ कर एक हार्ट जैसी संरचना का निर्माण करती है और हार्ट के रूप में कार्य करने लगती है। और सर्वप्रथम हार्ट का निर्माण भी फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में ही हुआ था। रुधिर प्लाज्मा में घुलित हीमोग्लोबिन, जिसे इरिथ्रोक्रोरिन कहते हैं, के कारण इन जंतुओं का रुधिर लाल रंग का होता है। इसमें केवल अमीबी कणिकाएं पाई जाती है, तथा सम एनिलिड्स को जंतुओं में जैसे सेवेला में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्लोरोक्रोरिन भी पाए जाते हैं। रुडुनेरिया में हीमोसेलेमिक सिस्टम युक्त का पारसंचरण तंत्र पाया जाता है। तथा नेक्स्ट पॉइंट, एनिलिडा फाइलम के जंतुओं में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो नेफ्रिडिया होते हैं, सेप्टल नेफ्रिडिया, फ्रेंजियल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होते हैं। जो प्राशन निम्न में भी सहायता प्रदान करते हैं, उसमें रेगुलेशन में भी, तथा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के आधार पर इन जंतुओं को अमोनियोटेलिक एंड यूरियोटेलिक कहते हैं। जो एनिमल जल में पाए जाते हैं वो अमोनियोटेलिक होते हैं, तथा स्थल पर टेस्ट ट्रायल होते हैं उनमें यूरिया के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में नर्वस सिस्टम एक परिधीय तंत्रिका वल्य तथा डबल लेयर मध्य अदरीय वेंट्रल सॉलिड प्रकार की नर्व कोर्ट से निर्मित होती है, तथा सेंसरी ऑर्गन्स के आधार पर इनमें रिसेप्टर पाए जाते हैं। केमो रिसेप्टर जो रसायन ग्राही होते हैं, जो केमिकल की पहचान करती है, तथा फोटो रिसेप्टर जो प्रकाश ग्राही होती है, स्पर्शक जो स्पर्श के बारे में ज्ञान प्रदान करती है, एंड पैलप एंड नेत्र जैसे संविधान भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम एनिलिडा के जंतु यूनिसेक्सुअल एकलिंगी होते हैं, तथा कुछ जंतु उभयलिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन विखंडन
अथवा मुक्कुलन बडिंग जैसी विधियों द्वारा संपन्न होता है, तथा एटोप जो एसेक्चुअल कंडीशन होती है, तथा पिटोप सेक्चुअल कंडीशन जैसी परिघटनाएँ मैरिज में पाई जाती है, तथा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम एनलिडा के जंतुओं में क्लीवेज विदलन होता है जो सर्पिल स्पाइरल प्रकार का इंडिटर्मिनेट निर्धारित प्रकार का होता है, क्योंकि इन कोशिकाओं में विदलन के समय इनका फीचर पहले ही निर्धारित हो जाता है, पर जिस सेल से जिसका निर्माण होना होता है उससे उसका निर्माण होता है। यदि उसको विदलन के समय अलग कर दिया जाए तो उससे जो जिसका निर्माण होना था वो निर्माण रुक जाता है, इसलिए इसका फीचर पहले ही निर्धारित हो जाता है। तथा असमान तथा पूर्णभंजी प्रकार का विदलन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जंतुओं में ट्रोकोफोलारो पाया जाता है जो नेरिज में होता है। इसके आधार पर फाइलम एनलिडा जंतुओं में डेवलपमेंट डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट प्रकार का भी होता है। तो छात्रों, जो आज हमने आपके सामने वीडियो के द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया उसका आप अध्ययन कीजिए, तथा आगे भी इस तरह की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। और इसके साथ ही आज का टॉपिक का एंड करते हैं। धन्यवाद छात्रों।